हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो रहने वाला है आईलाइनर के ऊपर। एक्चुअली आईलाइनर पे वीडियो बनाने का सबसे मेन रीजन ये था क्योंकि बहुत लोगों को आईलाइनर लगाना नहीं आता है और उनको आईलाइनर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है। इस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस कि हमारे फेस पे कौन सा जाएगा, हमारी आईज पे किस तरीके का आईलाइनर हमें लगाना चाहिए, या फिर सूट के साथ, लुक्स के साथ, या फिर जीन्स टॉप कैजुअल लुक में, डेली वेयर में हमें किस टाइप का आईलाइनर लगाना चाहिए जो हमारे फेस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। तो आज का वीडियो पूरा रहने वाला है आईलाइनर के ऊपर कि आप कौन सा आईलाइनर लगा सकते हैं, किस टाइप का आईलाइनर लगा सकते हैं। और मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आईलाइनर के ब्रांड्स भी जो आपको लोकल में या फिर ऑनलाइन स्टोर से आपको इजीली मिल सकते हैं विद इन बजट। तो यहाँ पे मेरे पास है कुछ ब्रांड्स, वो है स्ट्रेटवे की, लैक्मे, 7-Eleven, ये लोकल ब्रांड है, और एक है ब्लू हेवन का। जो टीनेजर्स हैं हमारे लोकल में वो सबसे ज़्यादा यही दोनों आईलाइनर का यूज़ करते हैं, या तो ब्लू हेवन या फिर लैक्मे। दोनों का प्राइस रेंज अलग है, लैक्मे है तो लैक्मे का थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है, और ब्लू हेवन तो सबको पता ही है इट्स 50 रुपीज़ का। और स्टेकवे की जो है आपको ऑनलाइन मिलेगा, और इससे अलग आपकी पर्पल की साइड पे और भी ऑप्शंस है आईलाइनर। तो मैं आपको दिखा रही हूँ पहला आईलाइनर, जैसे हम रेगुलर में कौन सा लगा सकते हैं। रेगुलर में इन द सेंस जब हमें कहीं पे क्लासेस या डेली कॉलेज वगैरह के लिए जाना होता है, उस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा अपनी आईज वगैरह डिफाइन नहीं करनी होती है, जो बहुत जल्दी भी लग जाएगा और बहुत इजीली भी लग जाएगा। हाँ, लिया है मैंने लैक्मे का आईलाइनर, और लैक्मे के आईलाइनर के साथ सबसे पहले जो हम आईलाइनर लगाते हैं उसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट होता है कि वो आईलाइनर अच्छे से इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं और हटाते हैं, लेते और हटाते हैं। जो हमारी आई की शेप है उससे ब्रश को लगा करके हमें एक स्ट्रोक में आईलाइनर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आईलाइनर को जो है ना लगाते टाइम बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना है, और एक ही लाइन में आपको पहले अपनी आंखों की शेप दे लेनी है, उसके बाद उसको फिल करना। उसके बाद उसे फिल करने के बाद जो है आप इनर कॉर्नर से उसको शेप दे लेंगे, और शेप उसको बिल्कुल पॉइंटेड उससे देना है। जो एक्स्ट्रा आईलाइनर है उसको आप हटा देना जब भी आप आईलाइनर लगाओ। कभी कभार क्या होता है, जैसे हम ब्रश को डिप करके निकालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आईलाइनर लगा होता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारा परफेक्ट आईलाइनर नहीं लग पाता। दूसरे वाले पे मैंने यहाँ पे थोड़ा विंग्ड आईलाइनर बनाया है, बट इसमें मैंने जो रखा है ना वो सेंटर से लेकर के लास्ट तक थोड़ा खींच के लगाया हुआ है, तो जिससे मेरी आई की ना शेप अलग आ रही है। जो फर्स्ट वन था उसमें मेरी आईज जो है वो राउंड आ रही है, और दूसरे वाले में थोड़ी खींची हुई आंखें आ रही है। ये था हमारा फर्स्ट वन, और ये था हमारा सेकेंड वन। अब हम थर्ड वन लगाएंगे। थर्ड वन के लिए मैं पहले की तरह ही आईलाइनर जो है वो बिल्कुल आईज के साथ, जो हमारी आईलैश है उसके साथ मिला करके लगा रही हूँ, और बिल्कुल इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खींचा है, बट थोड़ा सा मैंने इसको विंग बनाया है, टेल इसकी लंबी करी है, और पूरे में अच्छे से फिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं इनर कॉर्नर में भी थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है आईलाइनर लगा रही हूँ, जिसकी वजह से क्या है वो शेप बहुत अच्छी आती है हमारी आईज़ की, और उसके बाद बाकी को मैं काजल से फिल कर रही हूँ। तो क्या होता है, ये वाला जो लुक है वो हमारे पार्टी वार्टी के लिए बिल्कुल सही है, या फिर किसी को अगर बोल्ड आईज चाहिए हो तो उसके लिए भी सही है, जिनकी आंखें थोड़ी सी छोटी होती है, बट नॉट फॉर हुडेड आईज, क्योंकि हुडेड आईज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना मतलब ब्लैकी सी लगती है, तो इसमें जो है ना आपका लुक बहुत ज़्यादा अजीब और आएगा। फोर्थ वन के लिए मैं कर रही हूँ आईलाइनर ड्रॉ। मैंने बिल्कुल अपनी लैशेस के साथ ही आईलाइनर लगाया है, और उसके बाद नॉर्मल वाला जैसे हम लगाते हैं रेगुलर में, उसके बाद सिर्फ अपनी कट क्रीज ड्रॉ करनी है। अगर आप अपनी कट क्रीज ना समझ पाओ तो एक बार ना अपनी आईलाइनर लगाने के बाद आंखों को खोल लेना, तो जहाँ पे वो आपका आईलाइनर लगा होगा ना सड़ने वाला, तो फिर वहीं से अपना कट क्रीज ड्रॉ कर लेना। तो वो हमारा था फोर्थ टाइप, और यहाँ पे फिफ्थ टाइप के लिए मैं बिल्कुल ये हुडेड आईज के लिए कर रही हूँ। बिल्कुल पतला आईलाइनर लगाना है, बिल्कुल जो आपकी लैशेस के साथ जितना आप मिक्स करके लगा सको, क्योंकि हुडेड आईज जो होती है ना उस पर स्पेस ज़्यादा नहीं होता है, तो उनके लिए है ये, और उनकी आंखों में काजल ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए काजल जो है ना आप थोड़ा अपना आउटर मोस्ट साइड पे लगाना, काजल इनर पे ना लगा के, तो उससे आपकी आंखें जो है वो थोड़ी बड़ी लगेगी। यहाँ पे मैंने कलर्ड आईलाइनर लिया है, ब्लू कलर आईलाइनर। आप कलर आईलाइनर अपने स्किन टोन के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो आप लाइट कलर चूज करें, और अगर आपकी लाइट स्किन टोन है तो आप कोई भी डार्क कलर, कोई भी शेड यूज कर सकते हैं। ये है लास्ट सेवन टाइप बट नॉट द लीस्ट। इसके लिए हमें जो है ना ग्लिटर आईलाइनर पहले लगा लेना है, बट मैंने यहाँ पे ग्लिटर आईलाइनर ऊपर से लगाया है क्योंकि मेरा हाथ फिनिश है, तो दोनों चीजें कोलैप्स नहीं करेगी। आपका नहीं होगा तो आप पहले ग्लिटर लगा लेना। वीडियो आईलाइनर का ट्रिक्स का, और फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितनी भी मेरी वीडियोस आएगी आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया है सेवन टाइप्स के
टाइप्स के आईलाइनर कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट लगा और कौन सा आपको मेरी आंखों पे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फैशन राइडर के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। बाय।